गुरु ब्रह्मानंद कन्या महाविद्यालय अंजन थली में 2 दिवसीय तीसरी एथलेटिक मीट का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन एवं नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गौंदर मुख्य अतिथि थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा नेता एवं समाज सेवी रमेश कात्यान ने की। इस मौके पर विधायक धर्मपाल गौंदर ने खिलाड़ियों द्वारा आयोजित मार्च पास की सलामी लेकर प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारम्भ किया। महाविद्यालय के अध्यक्ष चौधरी रामकिशन ने अतिथियों का स्वागत किया और इलाके की बेटियों की दिल खोलकर तारीफ की। इस मौके पर नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गौंदर ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ी खेल को खेल भावना से खेलें। हरियाणा की बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं, इसलिए बेटियों को खेलों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। एक बात ध्यान से सुनना, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। आप में से ही सभी ने, किसी ने IAS ऑफिसर बनना, किसी ने IPS बनना, किसी ने ऑफिसर बनना, और बहुत से बच्चे जैसे कि खेल कूद में भाग लेकर, जैसे कि सरकार ने उनको अच्छे अच्छे पदों के लिए चुना जाता है, जैसे उस खेल नेशनल इंटरनेशनल जैसे वहाँ जाते हैं उस हिसाब से उनको पदवी दिया जाता है। सरकार का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बच्चों कोई भी पद ग्रहण कर लेना, नेता मत बनना, बहुत अच्छी लाइन नहीं है, इतना ही काम कर लेना, कहीं कहीं से सुननी तो पड़ेगी। तो मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, आप सभी को मैं अपनी तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। और ये जो झंडा यहाँ लहराया गया है, ये बहुत ही शुभ है, इसका कलर बहुत शुभ है। मेरे चुनाव में भी पीले रंग का झंडा था, इसने जीत दिलवाई। और मैं आपको और आपके माता पिताओं का धन्यवाद करता हूँ, यहाँ बैठे हुए सभी सम्मानित मंच का धन्यवाद करता हूँ। मुझे सिर्फ 11 दिन का चुनाव प्रचार करने का समय मिला, उसमें आप सभी ने ये जीत दिलवाई। और मैंने जो चुनाव में कहा था, भगवान से ये प्रार्थना की थी, आज भी कर रहा हूँ, भाई सत्ता का भूत मेरे दिमाग में ना आवे, मैं उसी तरह सेवक बनकर इस हलके का काम करूं। और आप मेरा साथ दें। एक बच्चा भी जाकर कहे कि मैं नीलोखेड़ी के उस गांव का हूं, जो मेरे से हो पाएगा इतना ही उस बच्चे का बुजुर्ग की तरह ही सम्मान करूंगा। यही मेरी आपसे प्रार्थना, आपने जो मान सम्मान दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंजन थली गुरु ब्रह्मानंद कन्या महाविद्यालय अंजन थली में आज जो खेल प्रतियोगिता का प्रोग्राम हुआ, वो देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा। तो हमें अब ये है कि हमारी जो बेटी बहन बेटियां हैं, वो भी देश प्रदेश और पूरे राष्ट्र में स्त्री खेल में आगे बढ़कर अपना नाम रोशन करेंगी। और जैसे सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, और ऐसे उन बेटियों की तरह हमारी बेटियां भी अब जो है खेल में नाम कमाएंगी और अपने देश का नाम रोशन करेंगी।